का होगा या हो सकता है इससे भी थोड़ा सा ज्यादा पहले का होगा। राजस्थान में एक लड़की जिसका नाम सोमन था, वो कुएं में कूद के सुसाइड कर लेती है। उसके सुसाइड नोट से पता चलता है कि उसने सुसाइड क्यों किया था। उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा, हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 19 अक्टूबर है। रोज़ मैं आप लोगों को सनलाइट दिखाता था, आज तो बहुत बारिश हो रही है। अब बारिश तो इधर से ज़्यादा नहीं दिखा सकते क्योंकि मैंने ये लगा लिया, यहाँ से बारिश की बूंदें आ रही थी मेरे किचन में। यहाँ पे अभी मैं रोटी बनाने वाला हूँ, आज बहुत लेट हो गया वीडियो एडिटिंग करते करते, तो मैं चल के बाहर से दिखाता हूँ थोड़े से बारिश। हालांकि आप सब लोग बारिश देख रहे हैं लेकिन मेरे वीडियो में बारिश एक बार देख लीजिए, दिखाते हैं। ये बारिश का नज़ारा, बारिश हो रही है, सब लोग बाहर निकल चुके हैं। आसमान पूरा भीगा हुआ है। आज ऑफिस में ये मिला है खाने को, ये आई थिंक सेवई के कुछ डिश बना है। हमारे यहाँ जो दादाजी हैं बहुत बढ़िया बनाते हैं, यहाँ मतलब यहाँ जो ऑफिस के जो कुक हैं। टेस्टी होगा, पहले भी खाया आज भी खाएंगे, देखते हैं कैसा है। तो फाइनली हम लोग टॉपिक डिस्कशन के सेक्शन में पहुंच गए हैं जहाँ पे हम लोग एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, उम्मीद है आपको पसंद भी आएगा और आपको इसके बारे में जानकारी भी मिलेगी, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि भारत के अंदर किस किस तरह के नियम हैं, भारत किस तरह के भारत किस तरह के लोग भारत के अंदर रहते हैं। इन सारी चीज़ों को जानना हर एक आदमी का अधिकार है और उसे जानना भी चाहिए, लेकिन वो कब पता चलेगा, जब आप जानने का प्रयास करेंगे। और जानने का प्रयास ये है कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो एक टॉपिक के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। तो आज का टॉपिक डिस्कशन शुरू करने से पहले उसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि पे बात करते हैं। तो सपोज करिए आपके किसी भाई या बहन की कहीं शादी होती है। मैं ये सपोज करता हूँ मेरे बहन की कहीं शादी होती है। बहन की शादी मेरी जहाँ होती है, जिनसे होती है, उनकी बहन मुझे बहुत पसंद आ जाती है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और मेरा सौभाग्य ये है कि उनको भी मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। हमारे परिवार वाले भी एक दूसरे को जानते हैं और उनको भी ये बात पता चलती है कि हम एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं। हम दोनों एक दूसरे लगभग एज के भी हम लोग सेम हैं और हम लोग का क्वालिफिकेशन भी सेम है और हम लोग एक दूसरे को बहुत पसंद भी कर रहे हैं, तो हम लोग की शादी करवा दी जाएगी। हम लोग बड़े खुश होंगे क्योंकि हम एक दूसरे को चाहते थे, एक दूसरे को पसंद करते थे, इसलिए हमारी शादी हो गई, हमारी लाइफ सेट हो गई। लेकिन आप सोचो अगर इस चीज़ को मैंडेटरी कर दिया जाए कि मेरी बहन की शादी जहाँ हुई है, जिनसे हुई है, उनकी बहन से मेरी शादी भी मैंडेटरी है, फिक्स है, होनी ही चाहिए, तो होनी ही चाहिए, उसको कोई टाल नहीं सकता, तब क्या होगा? तब बहुत बुरा होगा। कैसे होगा बताते हैं। सपोज करिए कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं बकरी चराता हूँ, मैं भैंस चराता हूँ, मैं दूध बेचने को ले जाता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सारे काम गलत होते हैं, मैं फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ। और वो जो सामने वाली लड़की है, मेरे जीजा की जो बहन है, वो बहुत एजुकेटेड है, क्वालिफाइड है, बहुत सुंदर है, मेरी उम्र बहुत ज़्यादा है, उसकी उम्र कम है, और ये प्रथा मैंडेटरी हो गई है कि मेरी बहन की शादी जिनसे हुई है, उनके बहन से मेरी शादी फिक्स है, होनी ही होनी है, तब उस लड़की के साथ क्या होगा? उसके साथ अत्याचार होगा, बुरा होगा, क्योंकि वो पढ़ी लिखी है, मुझसे बहुत कम एज की है, लेकिन उससे मेरी शादी होगी ही होगी। अगर नहीं होगी तो उनके घर वाले जो हैं मेरी बहन को परेशान करेंगे, या मैं क्या करूंगा, अपनी बहन को वापस अपने घर बुला लूंगा और उनके ऊपर बहुत सारे केस मैं ठोक दूंगा। तो ये एक मैंडेटरी सिस्टम है जो भारत के राजस्थान राज्य के कई सारे जिलों में ये चालू है, चल रहा है, जिसे कि आटा साटा प्रथा के नाम से जाना जाता है। आटा साटा प्रथा, यह प्रथा राजस्थान में प्रचलित है और ये एक कुप्रथा है, जिसके वजह से बहुत सारे जो युवक हैं, युवतियां हैं, उनके जीवन खराब हो जाते हैं। बहुत ज़्यादातर तो ये जो नकारात्मक प्रभाव छोड़ता है वो लड़कियों के ऊपर छोड़ता है, क्योंकि लड़कियाँ
कम एज की होती है और उनकी शादी अधिक उम्र वाले ऐसे लड़कों से कर दी जाती है जो उनके लिए अयोग्य होता है। तो चलिए इसके बारे में विस्तृत डिस्कशन करते हैं। पृष्ठभूमि तो मैंने बता दिया, प्रथा भी बता दिया, इसके बारे में विस्तृत डिस्कशन करते हैं। तो मामला आज से करीब 4 या 6 महीने पहले का होगा, या हो सकता है इससे भी थोड़ा सा ज़्यादा पहले का होगा। राजस्थान में एक लड़की जिसका नाम सोमन था, वो कुएं में कूद के सुसाइड कर लेती है। उसके सुसाइड नोट से पता चलता है कि उसने सुसाइड क्यों किया था। उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि राजस्थान में प्रचलित आटा साटा प्रथा को तुरंत प्रभाव से बंद करना चाहिए या इस पर रोक लगाने का प्रयास करना चाहिए। अब ये उसके साथ हुआ क्या था ये जानते हैं। सुमन के भाई की शादी कहीं हुई थी, उनके घर में उनके भाई भी थे, यानी सुमन के भाभी के जो भाई थे वो उनसे बड़े थे और काफ़ी बड़े थे। वो अनएजुकेटेड थे और वो शायद पहले बकरी वगैरह चराते थे। उनसे सुमन की शादी हो गई। सुमन वहाँ गई क्योंकि वो पढ़ी लिखी थी, ग्रेजुएट थी, ब्यूटी पार्लर वगैरह का कोर्स उसने किया था। उसका सारा फ्यूचर वहाँ बंद हो गया। वो घर में रहने लगी अपने एक अनएजुकेटेड, जिनसे उसकी कोई मैच नहीं होती थी, वैसे पति के साथ वो रहने लगी, जो उससे उम्र में काफ़ी बड़े भी थे। अब सुमन न पीछे हट सकती थी न आगे बढ़ सकती थी। वो अपने जिंदगी घुटन के साथ जी रही थी क्योंकि उसके हिसाब से कुछ भी नहीं हो रहा था। इस प्रथा के हिसाब से, दुनिया के नियम के हिसाब से, समाज के हिसाब से सारी चीज़ें हो रही थी। अगर वो अपने हस्बैंड को छोड़ती है तो इधर उनकी जो ननद है जिनसे उनके भाई की शादी हुई है वो भी उनके भाई को छोड़ देंगी और इनके घर वाले उनके ऊपर दहेज प्रथा का केस कर देंगे, उनके ऊपर मारने पीटने का केस कर देंगे और शायद हो सकता है कि उनके भाई कई सालों के लिए जेल में चले जाएं। तो इसलिए ये अपना कदम पीछे नहीं हटा सकती थी। तो इन्होंने सोचा कि मैं इस तरह से पीछे तो नहीं हट सकती हूँ, इससे बढ़िया है कि मैं क्यों ना सुसाइड कर लूँ और एक सुसाइड नोट लिख लूँ ताकि आने वाले टाइम में जो दूसरी लड़कियां हैं शायद ये प्रथा बंद हो जाए और उनकी उनके जीवन जो है वो बच जाए। हालांकि अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ये मामला 2-4 दिनों तक 15-20 दिनों तक ये मीडिया में रहा, उसके बाद अब ठप हो गया। इस मामले पे अब कोई बात नहीं हो रही है, वो प्रथा ज्यों का त्यों चल रहा है। इस प्रथा में और आगे क्या होता है, अगर सपोज करिए कि कोई लड़की इसका विरोध करती है, वो शादी नहीं करती है किसी ऐसे लड़के के साथ, या शादी होने के बाद वो वापस चली जाती है, वो वहाँ नहीं जाना चाहती है, तो उसके परिवार के साथ बहुत तरह से भेदभाव किए जाते हैं। आर्थिक भेदभाव किए जाते हैं, सामाजिक भेदभाव किए जाते हैं, यानी उनको आर्थिक रूप से बहिष्कार कर दिया जाता है, सामाजिक रूप से बहिष्कार कर दिया जाता है, जाति पात से बहिष्कार कर दिया जाता है। उनको उनके सगे परिवार वाले नहीं पूछते हैं, उनके जाति पाति के अन्य लोग नहीं पूछते हैं, बाकी जो भी लोग उस घर में बचे रहते हैं उनका शादी विवाह करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस वजह से ये इतने नियम कानून बना के इस प्रथा को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है कि यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल काम होता है। तो यहाँ जितने भी लोग जन्म लेते हैं, वो जन्म लेके जब पढ़ना शुरू करते हैं, आगे बढ़ना चालू करते हैं, तो उनके एक करियर के साथ साथ ये बहुत बड़ा टेंशन होता है कि हमारा जो करियर होगा वो तो होगा ही, लेकिन मुझे ये आटा साटा प्रथा के अंदर मुझे भी शामिल होना है और एक न एक दिन मेरे किसी भाई के साले से मेरी शादी हो जाएगी। और वो इस प्रथा को लेके भी हमेशा टेंशन में रहते हैं। बहुत बार ये प्रथा बचपन में ही शुरू हो जाती है, जैसे बाल विवाह कर दिए जाते हैं। जब अगर कोई बच्चा जन्म लेता है, कोई बच्ची जन्म लेती है, तभी ये डिसाइड कर लिया जाता है कि इनकी शादी कौन से भाई के बदले या कौन से बहन के बदले इनकी शादी करनी है। ये बचपन में ही सेट कर दिया जाता है और हो सकता है कि बचपन में ही सगाई कर दी जाती है और वो लोग जब बड़े होते हैं तब उनकी शादी की जाती है। इस तरह से भी बहुत बार होता है। अपना देश 2021 में चल रहा है, पूरी दुनिया 2021 में है, 21वीं शताब्दी में हम चल रहे हैं, जहाँ पे हम लोग विश्व गुरु बनने का सपना देख रहे हैं कि हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत आगे जा रहा है। वहीं उसके विपरीत ये कुछ ऐसी कुरीतियाँ हैं, कुप्रथाएँ हैं जो देश को अत्यंत पीछे लेके जा रही हैं। वो प्रथाएं अपने उस पुरातन प्राचीन प्रथाओं को नहीं छोड़ पा रही हैं, वे लोग उसी में बंधा रहना चाहते हैं और उससे हटना नहीं चाहते। वो हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि आगे बढ़ के किसी दूसरे नियम को, किसी आधुनिक तरीके को अपनाया जाए। और इस वजह से क्या हो रहा है कि हमारे जो युवा पीढ़ी है, जो वहाँ के युवक हैं, युवतियाँ हैं, जिन्हें आगे बढ़ने का सपना है, जिनके मन में सपना है,
वो उस सपने को त्याग इस टेंशन में हमेशा लगे रहते हैं कि कब उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाएगा। तो अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपनी राय इस बारे में जरूर दें कि क्या ये उचित है, अनुचित है, या इसके खिलाफ कुछ होना चाहिए, इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। आप चाहे जहाँ भी हों, आप राजस्थान के हों, उत्तर प्रदेश के हों, हरियाणा के हों, कहीं के भी हों, इस प्रथा के खिलाफ एक सोशल मैसेज जाके फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ भी लिखें और इसके खिलाफ एक कैंपेनिंग करें, इसके खिलाफ प्रयास करें कि इसको हटाया जाए, ख़त्म किया जाए। क्योंकि ये जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक उन लोगों का जो मानसिक दबाव जो बचपन से वो लोग झेलते आ रहे हैं वो चीज़ नहीं ख़त्म हो सकता है। तो फाइनली ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। कैसा था टॉपिक आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताएं, और उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक भी करेंगे और शेयर भी कर लेंगे। देखने के लिए थैंक यू।